हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माइज। हियर आई पोस्ट वीडियोस ऑन फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। इफ यू फाइंड माय वीडियो यूजफुल फॉर योर स्टडीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट इज़ द पार्ट 4। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑन नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, डॉचेस एंड एनेमास के प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, डेफिनेशन पर। सो वेरियस अदर पार्ट्स जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप क्या होता है? वैसा एक्वस सॉल्यूशन जो ड्रॉप वाइज आप इंस्टॉल करते हो इनटू योर नोज और नेजल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। सो फॉर्मुलेशन क्या है नेजल ड्रॉप्स का? बेसिकली मैं बता दूँ यूज़ कब होता है। जनरली नेजल ड्रॉप्स टाइप ऑफ मेडिसिन हम तब यूज़ करते हैं जब आपका डीकंजेशन हुआ, यानी कि नाक बंद होना। जैसे ऑटरी वेन आता है, विक्स का भी ऐसे आता है, तो इस तरह के ड्रॉप्स का काम होता है नाक जब बंद होता है ठंडा वगैरह लगने से तभी। तो फॉर्मुलेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म में कॉमनली क्या होता है आपका व्हीकल, यानी सॉल्वेंट जिसमें आप सारी चीज़ें मिलाओगे। तो व्हीकल जो है आपका यहाँ पर है डिस्टिल वाटर या फिर कोई प्योरीफाइड वाटर आप इस्तेमाल करते हो एज अ व्हीकल। ऑयल्स पहले यूज़ होते बट अब जो है ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑयल्स का जनरली केसेस पाया जाता था कि आपके लंग्स के अंदर जाकर वो फंस जाता है। तो क्योंकि वाटर है, वाटर अब्जॉर्ब हो जाता था बट लंग्स के अंदर जाता है एंड एयर जो पाइप है आपका, ठीक है, उससे वो ब्लॉक कर देता था, जिसकी वजह से निमोनिया के केसेस देखने को मिलते थे। सो ऑयल व्हीकल इज़ नाउ इट इज़ टोटली अवॉइडेड। एडिटिव्स यानी एक्सिपिएंट्स क्या क्या मिलाए जाते हैं? बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्यों? पीएच मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट बफर 6.5 जनरली यूज़ किया जाता है। आइसोटोनिक एजेंट्स आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन आपके ब्लड का है वही सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन आपके सॉल्यूशन का भी रहे, ताकि आपके बॉडी में जब वो जाए तो इजीली वो एक्सेप्टेबल हो। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना, आपके सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही हो जितना आपके बॉडी का हो। तो क्या होगा, जैसे ब्लड्स आपके सेल्स में जाते हैं, ब्लड्स आपके बॉडी में फ्लो हो पाते हैं, उसी तरह आपका सॉल्यूशन भी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी के सेल्स के विदिन। इसलिए आइसोटोनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी सेल्स आपके बॉडी के सेल्स उसे एक्सेप्ट करेंगे। सो हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक नहीं होना चाहिए। हाइपरटोनिक होगा तो ज़्यादा सेल्स के अंदर चला जाएगा, हाइपोटोनिक होगा तो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपका जो है आइसोटोनिक होना चाहिए। तो NaCl एज अ आइसोटोनिसिटी एजेंट आपका इस्तेमाल किया जाता है। देन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की अगर बात करें तो ये आपका प्रिजर्वेटिव का काम करता है, प्रिजर्व करने का। एग्जाम्पल क्लोराम्ब्यूटॉल मोस्टली आपका यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों को दो चीज़ के बारे में बताऊँ, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी आप देखोगे और आप एंटीसेप्टिक या फिर एंटीफंगल, एंटी माइक्रोबियल्स वगैरह ये सब चीज़ सुनोगे। तो मैं बता दूँ एंटीबैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल्स जो आप सुनोगे वो आपके होते हैं बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स का मोस्टली वो काम करता है। और जहाँ आपका एंटीसेप्टिक्स का बात आता है, एंटीसेप्टिक्स या एंटीफंगल वगैरह जो हो जाते हैं वो मोस्टली आपका किस काम आता है, आपके वहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स रहे उस सॉल्यूशन में, उस दवाई में, तो वो आपका इन्फेक्शन काम को रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब आपके इन्फेक्शन को क्योर करने का। कहने का मतलब है एंटीबैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मोस्टली आपका जो है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, वेयर एज एंटीसेप्टिक या फिर एंटीफंगल आपके बॉडी के इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। ये आपका कुछ डिफरेंसेस है। दोनों में आपका कुछ ना कुछ आपके बॉडी को प्रोटेक्शन का काम मिलेगा, बट मोस्टली इनका मेन पॉइंट रहता है एंटीबैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल का प्रिजर्वेशन का, वेयर एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीफंगल वगैरह का आपके बॉडी के इन्फेक्शन का। सो डीकंजेशन एजेंट भी रहता है, जैसे कि मैंने बताया इसका यूज़ होता है कंजेशन रिलीफ का। तो आपके नाक, अगर आपका नाक बंद है तो उसको क्योर करने के लिए डीकंजेशन एजेंट रहता है। एग्जाम्पल अगर देखें एक नेजल ड्रॉप का फॉर्मुलेशन, एफेड्रिन जो कि आपका डीकंजेशन एजेंट है 0.5 ग्राम, क्लोराम्ब्यूटॉल प्रिजर्वेटिव है 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड एज आइसोटोनिसिटी एडजेस्टर इट इज़ 0.5 ग्राम एंड वाटर आपका 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको सारा मेडिकामेंट इंग्रेडिएंट्स आपको एक साथ ले लेना है, सोडियम क्लोराइड को भी ले लेना है, लेकर के सारी चीज़ों को गर्म पानी में घोलना है। घोलने के बाद आपको इसे क्या करना है, ठंडा होने देना है।
सॉल्यूशन आपका ठंडा हो जाएगा। गर्म पानी का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि वो इजीली सारा चीज़ घुल जाए, कोई भी ऐसा अनडिजॉल्व पार्टिकल्स ना रहे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना गर्म वार्म वाटर लेना है, हॉट वाटर नहीं। देन आपको फिल्टर करना है, फिल्टर इसलिए करना है ताकि अनडिजॉल्व पार्टिकल्स कोई भी रहे तो वो हट जाए। देन वाटर आपको वॉल्यूम मेकअप के लिए लेना है। वाटर जो आप ऐड करोगे वो भी फिल्टर करके ऐड करोगे आपको किसी तरह का भी, ताकि अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स ना मिले, क्योंकि आप इसको नोज़ के कैविटी में डाल रहे हो। आप नहीं चाहोगे कि आपके नोज़ के जो एयर पाइप है वहाँ पे किसी तरह का ब्लॉकेज हो, इसी वजह से फिल्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। देन आपको इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है, लेबल करना है, डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट आपका जो है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप भी आपका नज़ल ड्रॉप की ड्रॉप्स की तरह ही एक आपका सॉल्यूशन है लिक्विडोसिस फॉर्म, जो कि आप ईयर कैविटी आपके कान में ड्रॉपर के मदद से आप डालते हो। सो यहाँ लेकिन यूज़ इनका अलग है। ईयर ड्रॉप्स में अगर ईयर में इन्फेक्शन हुआ तब हम यूज़ करते, या फिर ईयर को सफाई करने के क्लिनजिंग के पर्पज़ से। फॉर्मुलेशन क्या है यहाँ पर, व्हीकल में आपका वाटर तो यूज़ होता ही है, अलॉन्ग विथ वाटर आपका रहता है ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, डाइल्यूट अल्कोहल एट्सेट्रा। तो डाइल्यूट अल्कोहल इसलिए रहता है बिकॉज अल्कोहल आपका जल्दी जो है वेपराइज हो जाएगा। वाटर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व करने के लिए वाटर एज अ सॉल्वेंट ज़रूरत पड़ता है। ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है थोड़ा गाढ़ा होता है और चिटचिटा होता है, तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके कान में वो चिपक कर ज़्यादा देर तक रहेगा, जिससे क्या होगा अगर किसी तरह का दवाई वगैरह भी है तो वो भी आपके कान में स्टिक होकर रहेगा, बिकॉज ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल उसको चिपका के रखेगा आपके कानों में। तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम आपको मिलेगा, दवाइयों का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ेगा ईयर के कैविटी के अंदर, और साथ ही साथ आपका जो सॉफ्ट है वैक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वैक्स के साथ ये चिपक कर रहेगा ज़्यादा देर तक। तो ये फ़ायदे हैं, दैट इज़ बाई ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल लिया जाता है। एडिटिव्स यहाँ पे यूज़ होता है एंटीबायोटिक और एंटी फंगल एजेंट, जैसे कि मैंने बताया था एंटी माइक्रोबियल वगैरह जो होता है वो प्रिजर्वेटिव के लिए होता है, एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक, ठीक है, या एंटी फंगल, ये सारी चीज़ें आपके इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। एग्जाम्पल जेनिटियल वायलेट यूज़ होता है। वेरियस अदर एक्सीपियंट्स जो यूज़ होते हैं वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, अगर इन्फ्लामेशन कान में दर्द हुआ है या और ज़्यादा कुछ स्वेलिंग वगैरह हुआ है तो यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक भी एक तरह से आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा इन्फेक्शंस वगैरह हो जाए तब, कट गया है कान में किसी तरह का तब एंटीसेप्टिक्स यूज़ करो। देन क्लिनजिंग सॉल्यूशन, अगर आपका पर्पस कान को क्लीन करना है देन क्लिनजिंग सॉल्यूशन चाहिए। वैक्स सॉफ्टनर वही हुआ, जब आपको कान का सफाई करना वैक्स वगैरह जो है क्लीन करना है कानों में, तब आपको इस तरह के एक्सीपियंट्स मिलाना, मतलब आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप एक्सीपियंट्स चुनते हो। यहाँ पे कोई बेसिक नहीं है कि ये चीज़ें लेनी है, जैसा आपका पर्पस वैसा आप एक्सीपियंट्स लोगे। देन आपका एग्जाम्पल देखते हैं ईयर ड्रॉप का, सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, ग्लिसरीन 30 ml, प्योरीफाइड वाटर अप टू 100 ml। तो देखिए यहाँ पर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन आपका रहेगा ही किसी भी मेडिसिन, यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सो मेडिसिन है, ग्लिसरीन आपका रहेगा ही, ग्लिसरीन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या फिर जितने भी चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें ज़रूर रहेंगे ताकि आपके कान में दवाई का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़े। प्रिपरेशन इसका भी सिंपल है, सबसे पहले ड्राई मेडिकामेंट्स को आपको वे कर लेना है, देन आपको उसको मेजरिंग सिलेंडर में डालना है, डालने के बाद डी आयोनाइज्ड वाटर, जो आपका वाटर हो वो डी आयोनाइज्ड होना चाहिए, किसी तरह का आयन्स उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टिल वाटर आप यूज़ कर सकते हो। देन इससे आपको ग्लास रॉड के यूज़ से, ग्लास रॉड यूज़ करके आपको अच्छे से स्टेयर करना है ताकि सारा सॉलिड्स घुल जाए आपके वाटर में। अब जो है आपको ग्लिसरीन मिलाना है, जब आपका सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मिक्सअप हो जाए उसके बाद आपको ग्लिसरीन मिलाना होता है, पानी में सारा सॉलिड घुल जाए उसके बाद ग्लिसरीन आपको मिलाना है, या और कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रहेगा तो उसको भी उसके बाद मिलाना है, सॉलिड वाटर के साथ घुल जाए उसके बाद। स्टीयर उसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली करना है ताकि थोरोली मिक्सअप हो जाए। देन आपको लेबल बॉटल के अंदर डालना है, जिसके अंदर आपका जिसका जो क्लोज़र रहेगा वो क्लोज़र सिस्टम ड्रॉपर की तरह रहेगा, देन आपको डिस्पेंस करना है। सो नेक्स्ट आपका है डॉचेस। डॉचेस क्या होता है? डॉचेस एक तरह का, मैं बताऊँ तो डॉचेस दो तीन तरह में आपका इसका कैटेगराइज होता है। डॉचेस एक तरह का आपका मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है? इसके अंदर ही डॉच सॉल्यूशन रहता है। डाउचिंग करना क्या होता है? आपका वेजाइना क्लीन करना, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये डाउचेस जो है ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, जो इंस्ट्रूमेंट आपका
उसका माउथ जो रहता है किसी तरह का इंजेक्शन की तरह रहता है। इसका जो एक ये स्पेशल कंटेनर में ही आता है, डाउट सॉल्यूशन एक स्पेशल कंटेनर में ही आता है, जिस कंटेनर का माउथ जो है सिरिंज की तरह रहता है, जो सिरिंज की मदद से क्या होता है बिल्कुल वो वेजाइना के अंदर स्प्रे हो जाता है, जिससे वेजाइना क्लीनिंग वगैरह होता है। मोस्टली इसका ये पर्पस रहता है। और इस तरह के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में आने की वजह से डाउट चेक इंस्ट्रूमेंट भी है, मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। वेयर एज डाउट जो है ज़्यादातर ड्राई फॉर्म में आता है, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से डाउट को आप सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी सुनोगे, जहाँ पर डाउचेस जो है वो ड्राई पाउडर है, बट उसे ड्राई पाउडर के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, उससे सॉल्यूशन फॉर्म में, जिसकी वजह से इसको लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर भी हम लाते हैं। इसे यूज़ करने से पहले गर्म पानी में घोल दिया जाता है और घोल कर फिर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के मदद से धोया जाता है। दिस इज़ द रीज़न जिसके वजह से डाउचेस को हम मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंडर भी पढ़ते हैं। डेफिनेशन अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ डाउचेस आपका सॉल्यूशन फॉर्म भी है मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के अंडर, साथ ही साथ डाउचेस आपका पाउडर फॉर्म में भी रहता है, बिकॉज ड्राई है तो पाउडर फॉर्म में भी इसका नाम आता है। सो एनीवेज डाउचेस आपका एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म पढ़ रहे हैं तो डाउचेस सॉल्यूशन के बारे में हमें जानना है। ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है जो आपका मोस्टली बॉडी कैविटीज़ को वास करने में काम आता है, मोस्टली वजाइना रहता है, बट अदर देन वजाइना नेजल डाउचेस भी होता है, ईयर डाउचेस भी होता है, जो आपका क्लींस करने में काम आता है और एंटीसेप्टिक एजेंट्स इसमें होते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शंस को भी क्योर कर सके। ये जनरली ड्राई फॉर्म में होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और इसे व्हीकल में यूज़ करने से पहले डिसॉल्व किया जाता है। फॉर्मुलेशन क्या क्या इसमें होते हैं, बोरिक एसिड्स या फिर सोडियम बोरेट रहता है, मोस्टली एसिड्स किसी ना किसी तरह का रहता ही है। एक्सिपिएंट्स के नाम पर यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट्स रहते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स आपका जो है क्या करेगा, सो हील वगैरह करने का काम करेगा अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो। देन आपका जो है एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं, मैंने बताया एंटी माइक्रोबियल्स का क्या पर्पस होता है, प्रिजर्व करने का। डिटर्जेंट्स वास करना है, क्लीन करना है, तो डिटर्जेंट्स रहता है उसकी वजह से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपका इन्फेक्शंस वगैरह को क्योर करने के रीजन से, एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए होता है। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि ये आपके इन्फेक्शंस को किसी तरह का क्लीनिंग के लिए ही, क्लीनिंग पर्पज से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये रहते हैं। देन आपका सॉल्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ आपके एसिड बेस के सॉल्ट्स भी रहते हैं। एरोमेटिक्स रहते हैं, मतलब कि आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स या आपके क्या कह सकते हैं आपकी स्मेल देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स, मतलब कि आप जहाँ पर भी उससे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे वो एक ओडर, एक खुशबू छोड़े, स्मेलिंग एजेंट्स भी आप कह सकते हो। एग्जांपल के लिए इसका आपको जो है ज़्यादा फॉर्मुलेशंस जो है ज़्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा नेट पर भी अगर आप सर्च करो बेटाडिन वेजाइनल डॉचेस, सो आप इससे अगर परचेज करोगे वहाँ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, बट नेट पर इसका आपको जो है ओपनली कोई फॉर्मुलेशंस मिलेगा नहीं। मोस्टली बेटाडिन वेजाइनल डाउचेस में जो है पोविडन आयोडीन, जो कि एक तरह का आपका एंटीसेप्टिक एजेंट्स है, वो आपको मिलता है। पोविडन आयोडीन 10% कंसेंट्रेशन में रहता है। प्रिपरेशन कैसे होता है, जो भी मोस्टली इसका प्रिपरेशन का जो तरीका है वो है सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले वजन करना है और मोटर में लेना है। मोटर में आपको कैसे लेना है, जो सबसे कम मात्रा वाला ड्राई इंग्रेडिएंट रहेगा उसको पहले लेना है, देन उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, मतलब जिससे जैसे वेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा मिलाते जाना है। मोटर में ही ऐड करना, ट्रैचुरेशन करना है, क्योंकि इसे ड्राई फॉर्म में रखना होता है, तो मोटर में मिक्स करके आप इसे ड्राई फॉर्म में रख दो, जब आपका ज़रूरत हो इस तरह से ये पैक्ड रहेगा, जब आपको यूज़ करना है एट दैट टाइम आप इसे गर्म पानी में डिसॉल्व करोगे एंड देन आप इसको सॉल्यूशन बनाकर यूज़ करोगे। सो आपको ड्राई फॉर्म में यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट आपका चलते हैं एनिमास की तरफ, उससे पहले आज का आई क्यू फैक्ट्स, टुडेज आई क्यू फैक्ट्स, डू यू नो आरबीसी कैन सर्कुलेट योर होल बॉडी विद इन 20 सेकेंड्स। जी हाँ, आपका एक रेड ब्लड सेल आरबीसी आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लेगा सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स के अंदर। तो चलिए उसके बाद एनिमास के बारे में जानते हैं। एनिमास जो है
वो आपका रेक्टल इंजेक्शन है एक तरह का, जो रेक्टम या फिर कोलोन में दिया जाता है। क्यों इंजेक्ट किया जाता है? बिकॉज ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ है तब आपको दिया जाता है, जिससे कि बावल आपका निकल कर आए इजीली, आपका बावल क्लींजिंग के लिए, जिसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो उसके लिए ये चीज़ होता है। हाई कॉन्स्टिपेशन के केस में ये होता है, एनेमास दिए जाते। तो एनेमास क्योंकि एक तरह का इंजेक्टिंग सॉल्यूशन है, दैट इज़ वाई ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंडर ही आता है। फॉर्मुलेशन क्या है इसमें? व्हीकल व्हीकल में जो है आपका स्मॉल क्वांटिटीज में इथेनॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल रहता है। ड्रग्स जो मोस्टली आपका एनेमास में रहता ही है वो है वैलप्रोइक एसिड, एंडोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब में से कुछ कुछ रहेंगे ही जो कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। एब्जॉर्प्शन यानी कि बावल में पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिससे कि बावल्स जो है आपका इजीली निकल कर आए, क्लीन हो जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ें रहते हैं। देन आपका एक्सिपिएंट्स के नाम पर यहाँ पर होते हैं एंथेलमेंटिक। वैसे तो मेट्रोनिडाजोल भी एक तरह का एंथेलमेंटिक है। कभी कभी पेट में कीड़े वगैरह होने से, पैरासाइट्स होने की वजह से भी ये चीज़ होता है, जिसकी वजह से एंथेलमेंटिक्स एक तरह से आपके स्टमक के जो पैरासाइट्स वगैरह है, ठीक है, उसको कोलोन या रेक्टम में अगर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उससे क्लीन करने में, उसे किल करने में, मारने में आपका काम आता है एंथेलमेंटिक्स, वो रहता है। स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर आपके बावल को सॉफ्ट करेगा। रेडियोपैक सब्सटेंस फॉर रोएंटिनोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर बावल। कभी कभी अगर आपका एनेमाज इसलिए भी दिया जाता है देखने के लिए, जांच करने के लिए कि आपका जो है बावल क्लीन क्यों नहीं हो रहा है, कोलोनिया रेक्टम में किस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रेडियोपैक सब्सटेंस दिया जाता है, जिससे कि रेडियोलॉजी के द्वारा, ठीक है, आपका एक्सरे या किसी तरह के रेडियोलॉजिकल मेथड के द्वारा पता किया जा सके कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो इस वजह से एनेमाज में इस तरह की चीज़ें भी रहते हैं। देन आपका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने डाउचर्स के बारे में बताया था, वैसे ही एनेमास के बारे में भी आपका ऐसा है कि इसका, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा आपके जो है इतने ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें नहीं है कि आपका मार्केट में ओपनली इसका फॉर्मेशन गिवन रहे, दैट इज़ वाई इसका आपको नेट पर भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जनरल स्टडीज़ बुक्स में भी आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप हायर स्टडीज़ में जाओ या फिर आप फार्माकोपियाज वगैरह में उसको देखो। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको जो मार्केट में अवेलेबल है वो है लैक्टुलोज एनेमा। लैक्टुलोज एनेमा में मोस्टली आपका लैक्टुलोज रहता है 10 ग्राम, और इसके साथ वाटर आपका अप टू 15 ml मिलाया रहता है। तो ये एक सिंपल है, ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा फॉर्मुलेशन पर इसका नहीं दी मैंने, एक सिंपल आपका एनेमा का है जिसमें लैक्टुलोज और वाटर सिर्फ रहता है। लैक्टुलोज आपका जो है स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, सिंपली स्टूल सॉफ्टनर टाइप का ये एनेमा है, वेजिनाइल आपका एनेमा है। सो सॉरी वेजिनाइल नहीं, रेक्टम एनेमा, बिकॉज इसे रेक्टम में इंजेक्ट किया जाता है। प्रिपरेशन इसका कैसा है? स्मॉल कंसेंट्रेशन में स्टूल सॉफ्टनर को आपको लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, और साथ ही साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी है, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे आपको बेसिकली लेना है, ले करके आपको सबको वेइंग करके अलग अलग से रख देना है। देन सारा सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को मेजरिंग सिलेंडर में लेना है, लेकर के थोड़ा सा कम अमाउंट में आपको वाटर मिलाना है, वाटर में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें डिजॉल्व करने हैं। देन आपको क्या करने हैं, वाटर में सारी चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स घुल जाए, देन आपको लिक्विड एसिड्स अगर कुछ है, लिक्विड एसिड्स जनरली रहते हैं जैसे कि मैंने बताया, ये तो आपका सिंपल एनेमा का एक फॉर्मूलेशन था, अगर आपका है तो वो आपका ऐड रहेगा। देन आपको एसिड्स को बेसिकली एक बार में नहीं मिलाना होता, कभी भी किसी वाटर में आप एसिड्स एक बार में नहीं मिलाते, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको मिलाना है और कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ मिलाना है, कभी भी एसिड एट अ टाइम एक बार में नहीं ऐड किया जाता है। सो एनीवेज देन आपका फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए आपको वाटर मिलाना है, एंड नाउ आपका एनेमा जो है फिर आपको एक प्रॉपर बॉटल में सील कर लेना है। सो आपका जो है इस तरह से एनेमाज हो गया। सो आपका इसके साथ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स जो है सो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन पर चैप्टर स्टार्ट होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन चेक माय चैनल वीडियोस। सो होप कि आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा, यूजफुल लगा तो बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वो वीडियोज़ को पोस्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।